आज हम सीखेंगे चेस के कुछ रूल्स। आइए चलिए पैदल से शुरू करते हैं। पैदा एक स्टेप में एक कदम चल सकता है, नहीं तो दो कदम। फिर अगर वो अगले बॉक्स में चले गया तो फिर वो जो चाहे वो बन सकता है, जैसे वजीर, ऊंट, घोड़ा, हाथी। अब हमने आपको पैदे की चाल बता दी है, और अगर पैदे के कोई साइड में हो तो पैदा उसको क्रॉस चलकर मार देता है। ये है कुछ नियम। अब हम जाते हैं अपने वजीर पर। वजीर सबकी चाल चलता है, वो ऊंट की चाल चलता है, वो हाथी की चाल चलता है, और वो पैदे की चाल चलता है। अब हम इसके अंदर आपको इन तीनों की चाल बता देते हैं। देखिए, अगर वजीर को राजा व्हाइट बॉक्स पर है और वजीर को उसको चेक देना है, तो फिर वो यहाँ पर एक बॉक्स पर रहेगा। फिर अगली स्टेप में सामने वाला अपने ऊंट को आगे लेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जाकर राजा को चेक देंगे। ये है हमने व्हाइट बॉक्स पर खड़े रहने वाले ऊंट की चाल बताए। अब हम आपको ऊंट की चाल बताएंगे। अगर ऊंट ब्लैक बॉक्स पर है तो ब्लैक बॉक्स पर ही क्रॉस चलेगा। ऊंट चलता क्रॉस और मारता भी क्रॉस, पर उसका इतना है कि अगर वो ब्लैक बॉक्स पर है तो ब्लैक बॉक्स पर क्रॉस चलेगा और क्रॉस ही मारेगा। और ये खोड़ा ढाई कदम चलता है। जैसे एक अगर यहाँ पर पैदा है तो पैदे के ऊपर से छलांग मारकर कदम गिनता है, एक दो ढाई। ये है घोड़े की चाल। और अब हम हाथी की चाल बताने जा रहे हैं। हाथी चलता सीधा, मारता आड़ा, और अगर उसके सामने कोई और हो तो वो चल नहीं सकता है, क्योंकि घोड़ा जब ढाई कदम चलता है वो घोड़ा रहता, घोड़ा छलांग मारता है, पर बाकी के वजीर, ऊंट, ये सब छलांग नहीं मार सकते हैं। वजीर घोड़े की चाल को छोड़कर सबकी चाल चलता है, जैसे हाथी, ऊंट, वजीर, ऊंट, घोड़ा, ऊंट, हाथी, पैदा, ऊंट। अब हम इनको पीछे ले लेते हैं, और अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं। अब हम सबकी आपको स्टेप बता देते हैं। चलिए रखते हैं इनको अब आगे। और हाँ, कुछ कुछ लोग अब समझते हैं कि अगर व्हाइट राजा है तो वो व्हाइट बॉक्स पर ही रहेगा, पर ये बिल्कुल गलत है। राजा व्हाइट है तो वो ब्लैक बॉक्स पर रहेगा, और अगर ब्लैक राजा है तो वो व्हाइट बॉक्स पर रहेगा। इसमें ये बहुत डिफरेंस है, जो आप सोचते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इनकी रखने की जगह आपको बता देते हैं। शतरंज की बिस्सात बिछा रहे हो आप, चेस की सेटिंग कर रहे हो, ओके। हमने आपको बता दिया है कि इनको कहाँ रखते हैं, और अब हम बता देते हैं कि चेकमेट क्या होता है। देखिए, अब व्हाइट राजा ने अपने एक पैदे को आगे भेजा। फिर अगली बार में यहाँ पर
वह वजीर ने उसके बेटे को दो कदम आगे भेजा। फिर उसके बाद अगली चाल में हम उसे मार देंगे, बराबर। अब हम इस वजीर को एक कदम आगे लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको ये साइड पर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको, अब फिर हम यहाँ पर आगे हैं आएंगे, यहाँ पर ले लिए, फिर अब हम चाल चलेंगे। फिर आपको बिल्कुल तड़ी समझ जाना चाहिए कि अगली स्टेप में वजीर राजा को चेक दे देगा, इसलिए आपको इसकी बचाव करने के लिए अपने ऊंट से वजीर को फौरन मार देना चाहिए। कुछ कुछ लोग भी गलतियाँ कर देते हैं, अब चेक देने के चक्कर में राजा के पास अपना कीमती वजीर को खड़ा कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा चेकमेट। चेकमेट का मतलब राजा के पास कोई जगह नहीं है बचने के लिए, वो रहता है चेकमेट। और अगर राजा खतरे में है तो रहता है चेक। जैसे अभी हमने ये बैदे को चल लिया है, इसलिए अभी हम इसको मार रखते हैं। अब फिर ये वाया और ये वाला बैदा भी हमने चल लिया है, इसलिए हम इसको मार रखते हैं। फिर हम ये वाइट ऊंट से आगे जाएंगे और फिर ये हो जाएगा चेक। फिर उसके बाद वो अपने वजीर को लाएगा आगे, चाहे तो वो अपने वजीर को आगे लाएगा। इसका ये है सिंपल चेक, मतलब राजा खतरे में है, अगर हमने राजा को नहीं बचाए तो अगली स्टेप में वो हमें राजा को मार देता है और ऐसे ही मैच खत्म हो जाती है। अब इसने अपने वजीर को आगे लिया और पहले ये बैदे ने दो कदम चला था और इसने एक कदम चला था और ये बैदे ने दो कदम। अब फिर ऊंट खतरे में है तो फिर अब ऊंट पीछे आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद घोड़े को निकालेंगे, फिर हम ढाई कदम चलकर चेक दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते। अब सब निकल गए बाहर, सब निकल गए, वजीर भी चला गया, ऊंट भी चला गया, हाथी भी चला गया। अगर ये सब मर गए और आपके पास सिर्फ दो हाथी है, ये ऊंट वजीर आधे से ज्यादा पैदे भी मर गए मान लीजिए, और आपके पास सिर्फ दो हाथी बचे हैं और उनके पास खास मोहरे ऊंट घोड़ा हाथी और वजीर बचे हुए हैं। फिर बाद में आपके पास सिर्फ चार पैदे हैं और हाथी है। अब हाथी से आप भी चेक दे सकते हैं। फिर इसलिए हमें अब हमारी बारी। अब फिर हम एक पैदे को आगे लेंगे। अगली चाल में ऊंट यहाँ पर आएगा, फिर ऊंट ये पैदे को मार देगा। अगली चाल में हम यहाँ पर आएंगे, फिर से ऊंट हमारे एक पैदे को मार देगा, फिर उसका एक और ऊंट जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने आपको बताया था पैदा आगे चलते चलते जो चाहे वो बन सकता है। और फिर अब हमने हाथी से इसको मार दिया। अब फिर अगली चाल में इन्होंने अगर नहीं बचाए तो जाने को थोड़ा भी चल सकते। फिर उसको फिर सपोर्ट मिल जाता एक हाथी। ये हो गया चेक। अब राजा इधर जाएगा तो यहाँ पे खतरे में, और राजा इसको मारेगा तो भी वो खतरे में, इसीलिए थैंक यू अजीज़ रहमान।